आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मूंगफली और प्याज की बहुत ही टेस्टी चटनी। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अर्चना ब्लॉग एंड रेसिपी में। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मूंगफली और प्याज की चटनी बनाने के लिए मैंने 1 कप मूंगफली लिया है। मैंने छोटे दाने वाला मूंगफली लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे कढ़ाई और कढ़ाई को करेंगे हम गर्म। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम डाल देंगे मूंगफली को और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे या फिर तब तक भूनेंगे जब तक हमारा मूंगफली अच्छी तरह से भुन न जाए। तो इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और मूंगफली हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद और मूंगफली को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। अब हम फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल और तेल को हम करेंगे गर्म। तो तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे 7 से 8 सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो बढ़ा भी सकते हैं या फिर इसे कम भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लाल मिर्च को भूनेंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज को प्याज को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब इसको डालने के बाद हम इसको भूनेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे 10 से 12 करी पत्ते। करी पत्ते से हमारी चटनी का टेस्ट जो है काफ़ी बढ़िया आएगा। अब इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे, इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हमें इतना भूनना है कि प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज हमारा भुन चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने प्याज लहसुन मिर्च को जो भूना था उसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है, अब इसको भी हम ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम मूंगफली का छिलका निकाल लेंगे। तो मूंगफली को इस तरीके से हाथों से मसलते हुए इसका हम छिलका निकाल लेंगे। तो मैंने मूंगफली का छिलका निकाल लिया है और कुछ दाने में से छिलका नहीं निकला है, तो कोई बात नहीं, उसको हम इसी तरीके से रहने देंगे। और हम ले लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें हम डालेंगे मूंगफली को। अब इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ प्याज, जो हमने प्याज लहसुन मिर्च और कड़ी पत्ते को भुना है उसको हम डाल देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे हम 2 से 2.5 चम्मच इमली का पल्प। इमली को मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में डालकर फुला लिया था और जब फूल गया था तो मैंने उसको हाथों से मसल लिया था। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी और इसको हम पीस लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत और पड़ेगी तो हम और डालेंगे। तो मैंने इसको पीस लिया है, अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो मैंने चटनी निकाल लिया है लेकिन जार में थोड़ा सा चटनी लगा हुआ है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक्कन लगा करके इस तरीके से हिला देंगे और पानी को चटनी में डाल देंगे और डालने के बाद चटनी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मैंने चटनी को अच्छी तरह से मिला लिया है, अब चलिए इसमें तड़का लगाते हैं। तो चूल्हे पे हम चढ़ाएंगे तड़का वाला पैन और करेंगे इसको गर्म। तो पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल और तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सरसों दाना और 2 सूखी लाल मिर्च। सरसों को हम चटकाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग और 8 से 10 डाल देंगे इसमें कड़ी पत्ता। इसको हम थोड़ा सा चटका लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और चूल्हे को हम कर देंगे बंद और इसको चम्मच से हम थोड़ा सा चला लेंगे और उसके बाद
हम जो चटनी बना के रखे हैं उसमें हम तड़का को डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद चटनी हमारी बन करके तैयार है। आप इसे इडली के साथ, डोसे के साथ या पराठे के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सो प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि हमारी चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर चटनी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।